अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। और आज जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है डर्मा डर्म हाइड्रेशन एंड वाइटनिंग हर्बल फेशियल। और ये फेशियल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। ये मैं जितनी बार कहूँ कि ये बहुत अच्छा है, ये उतनी बार ही कम होगा, क्योंकि जब आप इसे खुद यूज़ करेंगे आपको यकीन आ जाएगा कि ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देता है। HD ग्लो है और वाकई ही आपकी स्किन पर बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है। ये है जी 50 ग्राम का फॉर ऑल स्किन टाइप्स, और ये ऑल स्किन्स के पे ही यूज़ किया है। इसके बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो सबसे पहले है ये मसाज क्रीम। मसाज क्रीम को आपने 15 से 20 मिनट तक आपने अपने फेस पे बहुत अच्छे से मसाज करना है। मसाज करना है यहाँ पे, जब आप इसे मसाज करेंगे तो आप पानी को बिल्कुल यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि मैं यही आपको सजेशन दूंगी कि आपने इसे विदाउट पानी यूज़ करना है, पूरे फेशियल को विदाउट पानी यूज़ करना है। और अगर आपको लगे कि आपने बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि आपने रोज़ वाटर यूज़ करना है, रोज़ वाटर का स्प्रे करें और फिर इसका मसाज करें। ये बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा और आपको जब इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद यकीन आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बार कोड यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी, www.dermadream.com.pk। और ये मेड इन टर्की है, ये टर्की के प्रोडक्ट हैं। और आपको पता है टर्की वालों के तो स्किन वैसे ही बहुत अच्छी होती है, वो अपनी स्किन को बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और वो ज़्यादा हर्बल चीज़ों को प्रेफर करते हैं। मसाज क्रीम को आपने 15 से 20 मिनट मसाज करना है और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद हम डबल एक्शन की तरफ आते हैं। ये भी हाइड्रेशन एंड वाइटनिंग हर्बल है, HD ग्लो है और ये डबल एक्शन है, डबल एक्शन क्लिंजर। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, आप इसे ज़रा सा लेंगे ये पूरे फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। इसको भी आपने 15 से 20 मिनट यूज़ कीजिएगा, इसका अच्छे से मसाज कीजिएगा। जितना आप फेशियल को टाइम देंगे, फेशियल आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। डबल एक्शन यूज़ करते हुए ड्राइनेस आ हो जाती है, वो जल्दी हो जाता है, तो इसके लिए आप रोज़ वाटर का स्प्रे कीजिएगा, लेकिन पानी यूज़ नहीं कीजिएगा। ये विदाउट पानी आप फेशियल को यूज़ कीजिएगा मेरे कहने पे, और आप देखिएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा मिलता है। 15 से 20 मिनट के लिए आप डबल एक्शन को मसाज कीजिएगा और फिर आप इसे क्लीन कर लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा। ये है जी डर्मा डर्म स्किन पॉलिश। स्किन पॉलिश को भी आपने पहले अपने पूरे फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। 1-2 मिनट के लिए आपने इसे लगा रहने देना है और जब आप 1-2 मिनट के बाद आपने बहुत अच्छे से इसका मसाज करना है। जब आप इसका मसाज करेंगे तो कम से कम 15-20 मिनट इसको भी दीजिएगा, ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा देगा आपको। स्किन पॉलिश को हमेशा जब आप यूज़ करते हैं तो पहले अपने चेहरे पर इसे 2-3 मिनट लगा रहने दें और फिर आप इसका अच्छे से मसाज करें और फिर आप इसको क्लीन कर लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा। ये है जी एप्रिकॉट स्क्रब, और इनका स्क्रब भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ तो आप इसका देखिएगा, ये बहुत क्रीमी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इसमें ये जो बारीक दाने हैं ये फेस को ऐसे वो रगड़ने वाला वो नहीं होगा कि जिससे रैशेस हो जाए आपके फेस पे, आपके चेहरे को रगड़ रगड़ के आप वो रेड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आप देखें, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बारीक इसमें दाने हैं और वो आपके चेहरे को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, बहुत अच्छे से साफ करेंगे आपके फेस को। इसका भी आपने 15 से 20 मिनट मसाज करना है बहुत अच्छे तरीके से, विदाउट पानी यूज़ करना है, रोज़ वाटर यूज़ करना है, स्प्रे करते जाइएगा और इसका मसाज कीजिएगा, ये सारे डस्ट को आपके फेस से बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। इस फेशियल की ये बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें चारकोल पील ऑफ मास्क भी इन्होंने दिया हुआ है,
ये देखें, और मास्क जो है वो जब तक ड्राई नहीं हो जाता तो तब तक आप इसे उतार नहीं सकते। इसका आपने, सॉरी, ये मैंने यूज किया हुआ है, इस वजह से मैंने आपको दिखाना था। ये देखें, ये चारकोल मास्क इन्होंने दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता तब तक आपने इसे नहीं वो साफ रिमूव करना है। आप इसको अपने फेस पे लगा रहने दे, और जब ये ड्राई हो जाए तो अपने दोनों फिंगरों से पहले चेहरे को टैप टैप कीजिएगा, ताकि वो जो मास्क है वो थोड़ा सा अपनी जगह को छोड़ दे। और फिर आप उसे नीचे से उतारिएगा, फेस के नीचे से, हमेशा चिन से स्टार्ट कीजिएगा, इधर या उधर से नहीं आप खींचिएगा, वरना वो जो आपके चेहरे पे रेडनेस भी हो सकती है। तो हमेशा मास्क जो भी आप यूज़ करें वो आप नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएं, तो बहुत अच्छे से वो मास्क रिमूव हो जाएगा। चारकोल मास्क के बाद इसमें आता है जी हाइड्रेशन एंड वाइटनिंग हर्बल मड मास्क, और ये मड मास्क भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा आपके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो लेकर आता है। ये भी वाइट है, इसकी थिकनेस आप देख लीजिए, ये देखें। इसको भी आपने, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता, इसको भी आपने अपने फेस पे लगा रहने देना है, और जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आप अपने चेहरे को बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, साबुन बिल्कुल यूज़ ना कीजिएगा। जब भी आप फेशियल करते हैं, कभी भी किसी सोप का आप यूज़ ना करें, फेस वॉश का यूज़ ना करें, क्योंकि जो फेशियल का रिज़ल्ट होता है वो आपको थोड़ी देर, जो अगर आप साबुन यूज़ करते हैं तो उसका वो जो रिज़ल्ट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं आता। तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। आप इसे खुद यकीन यूज़ करेंगे तो आपको खुद यकीन आ जाएगा, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद आई। और इसके जो प्राइस हैं वो 1300 रुपये हैं, प्राइस कोई इतने ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल प्राइस हैं, हर कोई परचेज़ कर सकता है, लेकिन रिज़ल्ट इसका बहुत ज़बरदस्त है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें, और अच्छे से कमेंट कीजिएगा। किसी भी चीज़ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आपने रिव्यू जानना है तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।